नमस्कार, निमाड़ का दबंग न्यूज में आपका स्वागत है। खरगोन जिले के टांडा बरुड़ ग्राम के लोगों और माधव सेवा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस और खरगोन जिले के मारुगढ़ कांड के विरोध में थाना प्रभारी राकेश सिसोदिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। संस्था के चंपालाल कुमरावत ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिली तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे पुलिस थाना बरुड़ पर? आज जो हमारे देश भर में जो घटनाएं बलात्कार की घटित हो रही है, जैसे हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ही हमारे मारुगढ़ के झिन्या क्षेत्र में भी बहन के नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी भी हम निंदा करते हैं और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ कर इनके को फांसी की सजा हो और इन जो बहनों को जो क्षति पहुँची, इनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले सरकार की तरफ से और परिवार को एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले और इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम विजय कुमरावत। हमारे देश में बालिकाओं और महिलाओं के साथ अत्याचार और जाति की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ घटित घटना के बाद आरोपियों द्वारा उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं खरगोन जिले के मारुगढ़ में भी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं के कारण बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिस कारण मन में डर बना हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको फांसी की सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दे तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं पूरे घटनाक्रम में न्यायिक जाँच हो। ज्ञापन देने के दौरान विजय कुमरावत, जेसी कुमरावत, सुदेश गनवानी और अन्य ग्रामवासी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।